दोस्तों एक आदमी था जो अपनी ड्यूटी की वजह से सुबह घर से निकल जाता था और फिर कभी शाम को आया करता। आप में से बहुत से लोग या तो पढ़ाई की वजह से या फिर काम की वजह से सुबह निकल जाते होंगे और फिर सीधा शाम को अपने घर जाते होंगे, जिस वजह से हमें परिवार में क्या चल रहा है और उस पर कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस कर रही है इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता। अब कानपुर के अमन कुमार गौतम भी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिनके घर में एक बूढ़े पिता भी रहा करते थे। उन्होंने बताया कि उनके घर में उनके पीठ पीछे शोभित डैनियल और शोभित नाम के दो लोग उनके पिता के साथ मिला करते थे और उन्हें जबरन धर्मांतरण करवाने के लिए कन्विंस किया करते थे। अब अमन और उनका परिवार जो हिंदू धर्म को मानता था, दोनों शोभित उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए ढेरों हथकंडे अपनाने लगे। यहाँ तक कि दोनों ने अमन के पिता को ये तक कह दिया था कि जिस पल वो ईसाई धर्म कबूल कर लेंगे उस पल उन्हें चर्च की तरफ से 50,000 रुपए, रहने के लिए एक घर और यहाँ तक कि आगे आने वाले समय में उनके जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे ना, उन्हें भी चर्च द्वारा ही उठाया जाएगा, ऐसा वादा किया गया। अब एक बुजुर्ग आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? उसका कमजोर शरीर। और इसी साइकोलॉजी को छेड़ते हुए चर्च के पादरी ने अमन के पिता से कहा था कि अगर वो एक बार पवित्र जल को अपनी आंखों में छुआ लेंगे ना, तो उनकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और अगर आपको लग रहा है कि ये बातें हम यूं ही हवा हवा में फेंक रहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पूरा इंसिडेंट सोशल मीडिया पर मौजूद है और इसकी FIR की कॉपी भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब देखो, धर्मांतरण वैसे तो बड़ा ही छोटा सा शब्द है जिसका मतलब है एक धर्म से दूसरे धर्म में बदलना, लेकिन अगर यही धर्मांतरण जबरदस्ती करवाया जाए तो ये पूरी की पूरी संस्कृति की नींव तोड़ सकता है। अब जो अमन के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि इस समय पूरे देश में ईसाई धर्मांतरण का इतना बड़ा खेल चल रहा है जिसकी हकीकत बहुत ज्यादा डार्क और कई बार डिस्टर्बिंग भी बन जाती है। आज के इस वीडियो में हम इसीलिए आपके सामने इस टॉपिक को लेकर आए हैं ताकि आप भी ब्रेन वॉश होने से बचकर उस हकीकत के बारे में जानें जिसे मीडिया और कई राज्यों की तो गवर्नमेंट भी छुपा रही है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। विच कन्वर्जन इज फोर्स्ड कन्वर्जन? देखो दोस्तों, धर्मांतरण हमेशा दो तरह से होता है। एक, जिसमें आपको अपने धर्म में कुछ कमियां दिखती है तब आप किसी दूसरे धर्म में चले जाते हैं, या फिर किसी भी पर्सनल कारण से अगर आप दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो रहे हैं वो भी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन की वजह से, ना कि किसी और द्वारा बहकाए जाने के कारण, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 25 भी कहता है कि भारत में हर कोई जो धर्म मानना चाहे उसे मानने के लिए बिल्कुल फ्री है, यानी कि बिल्कुल स्वतंत्र है। लेकिन यहीं पर अगर कोई आपसे बार बार जबरदस्ती कॉन्टैक्ट बनाए, आपको दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स करे, या फिर आपका ब्रेन वॉश करके आपके दिमाग में ये धारणा डाले कि आपका धर्म बहुत खराब है और दूसरा धर्म बहुत ज्यादा अच्छा है, और ऐसा करते करते गलत तरीके से आपको अगर कोई कन्वर्ट करने की कोशिश करता है तो ये जबरन धर्म परिवर्तन की कैटेगरी में आता है, और ये ना सिर्फ अनएथिकल है बल्कि ये पूरे के पूरे कल्चर के खिलाफ एक बहुत बड़ा डेंजर होता है। पर सवाल है कि आखिर क्यों? वेल, यहाँ पर थोड़ा लॉजिकली सोचो। अगर कोई आपके ब्रेन वॉश करने के लिए लगातार आपके दिल और दिमाग में किसी धर्म के खिलाफ नफरत फैलाएगा तो आप खुद तो कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा आपके पुराने धर्म के लिए एक नेगेटिविटी बनी रहेगी। आप हमेशा उस धर्म के लोगों को नफरत की निगाहों से देखेंगे क्योंकि आपके अंदर वो जहर भरा गया है, और यही चीजें बड़े स्केल पर लोगों के बीच कितनी नफरत पैदा कर सकती है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब ये नफरत ही वो कारण है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट खुद नवंबर 2022 में बोल चुका है कि जबरन धर्मांतरण आगे भारत की नेशनल सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए खतरा बन सकता है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि ये वाकई आज की डेट में कितना बड़ा इश्यू बन चुका है। रियलिटी ऑफ क्रिश्चियन कन्वर्जन। दोस्तों, जब भी हम लोग कन्वर्जन शब्द को सुनते हैं तो समाज में ही कुछ ऐसी छवि बनाकर रखी गई है कि भारत में हिंदुओं को ब्रेन वॉश करके जबरदस्ती मुसलमान बनाने का घोटाला चल रहा है, मगर इसी आड़ में छुप रहा है हिंदुओं का ईसाइयों में जबरदस्ती बदला जाना। देखो, उत्तर प्रदेश की बबली देवी ने 10 अगस्त 2023 के दिन पुलिस स्टेशन पर जाकर कंप्लेंट लिखवाई थी कि उनकी कॉलोनी में कुछ लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और बदले में कन्वर्ट होने पर सबको 10-10 हजार
हजार रुपए भी दे रहे हैं। और जब इस मामले में जांच की गई तो ये पता चला कि मिशनरी के उन लोगों ने न सिर्फ 4 से 5 सालों में करीब 200 हिंदुओं को क्रिश्चियंस में बदल दिया था, साथ ही साथ पास के इलाके में चर्च भी बनवा दिया था, जो ये दिखाता है कि इन लोगों के पास कितने ज्यादा फंड्स हैं, कि ये ना सिर्फ कन्वर्ट कर चुके लोगों को पैसे और घर जैसी सुविधा दे सकते हैं, बल्कि आज के जमाने में जहाँ एक घर बनाने में लोगों की जिंदगी बीत जाती है ना, वहाँ इनके पास इतना पैसा है कि ये लोग 4-5 सालों में पूरा का पूरा चर्च खड़ा कर सकते हैं। अब देखो, बबली देवी की कंप्लेंट इकलौती ऐसी एफआईआर नहीं है जो इस चीज पर प्रकाश डालती है कि भारत में आज की डेट में ये घटनाएं कितनी एग्रेसिवली बढ़ती जा रही है। हकीकत तो ये है कि आज देश का हर एक हिस्सा इस जाल में फंसता चला जा रहा है, चाहे आप बात कर ले मध्य प्रदेश की या फिर इसके सबसे बड़े हब पंजाब की, जहां केवल 10 सालों में क्रिश्चियंस की आबादी 1.5 से ऑलमोस्ट 15% तक आ चुकी है। आए दिन इन राज्यों में सैकड़ों की तादाद में ऐसी घटनाएं रिपोर्ट की जा रही है जो हमारे और आपके लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारे सनातन कल्चर को ही इम्पैक्ट पड़ता है और हमारे ही देवी देवताओं के प्रति हमारी आस्था को नुकसान पहुंचाया जाता है। अब हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि हम बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, जबकि देखो हकीकत यह है कि YouTube की गाइडलाइंस की वजह से हम लोगों को बहुत दब के एक एक शब्द बोलना पड़ रहा है, वरना सबूत दिखाना हो तो इंडिया टुडे की ही इस खबर को देख लीजिए, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे मेरठ में 9 लोगों ने जबरन 400 लोगों को उनका धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया था। उनके घर से उनकी मूर्तियां जबरदस्ती हटवाई गई और जब लोगों ने इसके खिलाफ कुछ कहा तो उन्हें मौत की धमकियां तक देनी शुरू कर दी गई। अब देखो, हर कोई इतना बहादुर नहीं होता कि सामने वाले से मौत की धमकी पाने के बाद प्रोटेस्ट करता रहे, जिस वजह से बहुत से लोगों को अपनी जान के लिए अपने धर्म को कुर्बान करना पड़ा। मतलब सोचो, भारत में आज ऐसे ऐसे हालात बन चुके हैं। द मिशनरी इकोसिस्टम। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग इस मामले से रिलेटेड बहुत सी घटनाओं को देख चुके हैं, बहुत सी एफआईआर पढ़ चुके हैं और इस पूरे कारनामे के बहुत से अनसुने रहस्यों से भी पर्दा उठा चुके हैं। मगर एक सवाल जो आप में से बहुत से लोगों के जहन में आ रहा होगा वो ये है कि जब ये मामला आज इतना जोर पकड़ रहा है तो इसके बारे में मास ऑडियंस को कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है। वेल, रीजन है द मिशनरी इकोसिस्टम। देखो, अगर मैं आपसे आज पूछूं कि इस वक्त भारत में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन को होल्ड करती है तो आप शायद किसी दूसरी संस्था का नाम लेंगे, मगर इसका जवाब है द कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बिजनेस आउटरीच की एक रिपोर्ट के हिसाब से कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल एम्प्लॉयर ऑफ द कंट्री भी है, जिसके अंदर 2,457 हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज, 240 मेडिकल नर्सिंग कॉलेजेस, 28 जनरल कॉलेजेस, 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 3,765 सेकेंडरी स्कूल्स, 7,319 प्राइमरी स्कूल्स और 3,185 नर्सरी स्कूल्स आते हैं। इन सभी संस्थाओं के चलते भारत में कुछ इस तरह का इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है कि आज के समय में हमारे कल्चर से ज्यादा क्रिश्चियंस के कल्चर को एजुकेशन सिस्टम में सुपीरियर कर दिया गया। अब जहां पहले के जमाने में देख लो, लोग स्कूल की मॉर्निंग असेंबली में हे शारदे माँ और सरस्वती वंदना जैसे भजन गाया करते थे ताकि सरस्वती माँ का आशीर्वाद हमारी विद्या को साकार बनाकर हमें एकाग्र बनने में मदद कर सके। वहीं आज की डेट में कैथोलिक चर्च के इस इकोसिस्टम की वजह से हमारी मॉर्निंग असेंबली की प्रेयर्स में भी अगर आप नोटिस करेंगे तो क्रिश्चियन प्रेयर्स ही जुड़ गई है। अब वैसे तो ये सच है कि शिक्षा का धर्म से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, मगर इस एक एग्जांपल की मदद से आप खुद समझ सकते हैं कि इस इकोसिस्टम ने हमारे दिमाग में क्रिश्चियनिटी को इतना ज्यादा बड़ा कर दिया ना कि हमें अगर ऐसी कोई घटना कहीं पर दिखती भी है तो हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। अब ये तो हो गया एक पहलू, मगर दूसरा पहलू ये भी है कि कई क्रिश्चियन स्कूल्स और संस्थाएं स्कूल की आड़ में ऐसे फंक्शंस ऑर्गेनाइज करवाती है ना जिसमें लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मोटिवेट किया जाता है। तो 24 जून 2023 की रात कानपुर के एक मिशनरी स्कूल का इंसिडेंट देखिए। कानपुर के एपिफानी स्कूल में जब 24 जून के दिन एक मेडिकल कैंप लगने का प्रचार किया गया तो वहां बहुत से लोग पहुंचे ये सोचकर कि मेडिकल कैंप में उनका चेकअप होगा और बदले में उन्हें प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ शायद कुछ मेडिसिन भी मिलेंगी। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी, क्योंकि मेडिकल कैंप की आड़ में वहां पर एक रिलीजियस फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा था जहां पर क्रिश्चियन प्रार्थनाएं कही जा रही थी और हालेलुया के चैंट्स हो रहे थे। अब ऑर्गेनाइजर्स ने
ये कहते हुए इस इवेंट को प्रमोट किया कि वहां पहुंचकर मरीजों की सारी बीमारी का इलाज हो जाएगा, जबकि हकीकत तो ये थी कि वहां पहुंचने पर उन्हें एक बोतल में तेल जैसा कुछ दिया गया था और साथ में जो हिंदू वहां पर आए थे ना उन्हें भीड़ से हटाकर ले जाया गया। उन्हें क्रिश्चियनिटी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई गई और जाते जाते एक एनवेलप दिया गया जिसमें 2,500 से 3,000 रुपए पड़े हुए थे और ये भी कहा गया कि अगर वो लोग अगले इवेंट में आएंगे तो उन्हें इतना पैसा मिलेगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। अब अगर हर कोई इसे स्कूल के फंक्शन की तरह इग्नोर कर देता तो ये घटना कभी सामने ही नहीं आती, लेकिन वहां पर मौजूद एक शख्स ने इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की और तब जाकर ये पता चला कि स्कूल जैसी पवित्र जगह में भी मेडिकल कैंप की आड़ में कितने घिनौने काम किए जा रहे हैं। अब दोस्तों श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में इसी तरह चर्च के कुछ लोगों ने एक सैनिक को बड़ी बुरी तरह से पीटा और अब्यूज किया। कारण सिर्फ इतना था कि चर्च का पादरी सैनिक और उसके पिता से करीब 20 लाख रुपए ले चुका था और जब वही 20 लाख रुपए वापस मांगने सैनिक चर्च में गया तो सैनिक से पादरी ने सीधा ये कह दिया कि अगर उसे उसके पैसे चाहिए तो उसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब इस तरह की घटनाएं हम नफरत फैलाने के लिए नहीं बता रहे बल्कि इनके माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसे इंसिडेंट क्यों पूरे समाज के लिए खतरा है, क्योंकि अगर ऐसे इंसिडेंट बढ़ते रहे तो आगे आने वाले समय में बहुत से लोग आपस में भरोसा करना ही कर देंगे, जो सोसाइटी और पूरे भारत में किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। Who is funding them? दोस्तों हालांकि इन सभी मामलों के बीच सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर शायद किसी का भी ध्यान नहीं गया होगा और वो ये कि इस पूरे ऑपरेशन को फंड कौन कर रहा है। आप खुद ही जरा सोच कर देखिए, किसी धर्म में बदलने के लिए किसी को घर देना, जायदाद देना और बहुत ज्यादा नहीं तो फ्री में सिर्फ और सिर्फ कन्विंस करने के लिए 3,000 रुपए बांट देना अपने आप में कितनी बड़ी रकम होती है। अब देखो आज हम लोगों ने इस वीडियो में जितनी भी घटनाएं बताई है ना, अगर उन्हीं को अकाउंट में लिया गया तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत में हर दिन लोगों को क्रिश्चियनिटी में बदलने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि इन संस्थाओं के पास करोड़ों रुपए रोज के रोज आ कहां से रहे। अब इसका जवाब ढूंढने के लिए हम भी रिसर्च में जुट गए और हमने जो जो आंकड़े देखे उन्हें देखने के बाद हमारे पैरों तले लिटरली जमीन खिसक गई। दोस्तों कम्यून द्वारा पब्लिश किए गए एक आर्टिकल में ये रिपोर्ट किया गया था कि इंडिया में लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने के लिए और मिशनरीज को इंडिया भेजने के लिए अमेरिका की जानी मानी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल मिशन बोर्ड ने $175 बिलियन का बजट अलॉट किया है, जो इतनी बड़ी अमाउंट है कि अगर इस ऑपरेशन में रोज 8 करोड़ रुपए भी खर्च किए गए तो भी अगले 470 सालों तक इस ऑर्गेनाइजेशन का बजट खत्म ही नहीं होगा। इसके अलावा आरएसएस से लिंक्ड मैगजीन में भी इस बात का दावा किया गया था कि अमेज़न अपने फंड्स को इंडिया में धर्मांतरण के कामों के लिए भेज रहा है, जो अपने आप में बहुत सीरियस एलिगेशन है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इसके बाद में इसको अमेज़न द्वारा डिनाई भी कर दिया गया। हद तो तब हो गई जब गुजरात पुलिस ने इस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जबरन धर्मांतरण करवाने की रिपोर्ट दर्ज करी, जिसको खुद मदर टेरेसा ने शुरू किया था। और बाकी मदर टेरेसा को कितनी बार ये कहा जा चुका है कि भारत में वो लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने के लिए आई थी, ये तो हम सभी जानते हैं। देखो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग आज प्रोग्रेसिव माइंडसेट की तरफ बढ़ रहे हैं और अब हमारा धर्म हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं बन रहा है बल्कि हमारे कल्चर को सपोर्ट करने का एक जरिया बन रहा है। मगर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बढ़ते कन्वर्जन का कारण कहीं ना कहीं हम सब खुद भी है। भागा दौड़ी भरी इस जिंदगी में हम इतना व्यस्त हो चुके हैं कि हमने अपने कल्चर पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। हम अपनी अगली पीढ़ी को तो पूजा पाठ में इन्वॉल्व करवा देते हैं लेकिन कभी उसे पूजा पाठ की अहमियत और संस्कृति की कहानियों से नहीं जोड़ते, जिनमें वो रहस्य छिपे हुए हैं जो आज वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों को सनातन धर्म अपनाने पर मजबूर कर रहा है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को और अगली पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा हमारे कल्चर से जोड़ने की और उसके बारे में बताते रहने की, इस तरह से नहीं कि वो उसमें बंद के ही रह जाए बल्कि इस तरह से ताकि वो अपने कल्चर की अहमियत और उसकी खूबसूरती को जाने। अब इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर उन्हें दूसरे धर्म में परिवर्तित होना है तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, बट एटलीस्ट इस तरह से कन्वर्ट होने के बाद उनके अंदर वो नफरत वाला भाव कभी नहीं आएगा और वो किसी धर्म को छोटा देखने के बजाय सबको इक्वली देखेंगे और सबके द्वारा प्रोवाइड की जा रही वैल्यूज को उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे जितना वो अपने धर्म की वैल्यूज को देते हैं। अब इस वीडियो में हमने किसी भी धर्म को नीचा दिखाने का इंटेंशन नहीं रखा है लेकिन फिर भी अगर हमसे अनजाने में किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं तो उसके लिए तहे दिल से हम माफी मांगते हैं। अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सबको सच्चाई से रूबरू जरूर करवाएं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, उसे कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही
इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।